हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी और साथ के साथ टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको लंच में बना सकते हैं या फिर डिनर में आप इसे बना के खा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट से ये बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप से लिया है चावल, कोई भी चावल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो हम रोज़ खाते हैं वही चावल लिया है। इसको दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे तक जो भी चावल में हमारी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो चावल देखिए मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक कुकर ले लूँगी और कुकर में सारे ही चावल हमने डाल देना है। तो ये सारे चावल इसमें मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें डालूँगी तीन कप पानी। वैसे तो हम चावल बनाते हैं तो दो कप डबल पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने तीन कप पानी लिया है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और यहाँ पे मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल दूँगी, और एक चम्मच से इसमें डाल देंगे देसी घी या फिर तेल, जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी इसमें डाल रही हूँ। तो एक चम्मच से छोटी चम्मच से देसी घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छे से इसको मिला देंगे। आप इसको बिना हल्दी डाले भी बना सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और हाई फ्लेम पे लगाएंगे एक सीटी, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको तीन चार सीटी आने तक पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम आलू की भुजिया बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तीन से चार चम्मच डाल देंगे सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैंने डाल दिया है तीन चार सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, और ये मैंने चार पांच लहसुन की कलियों को लंबा लंबा कट करके डाल दिया है। और ये जैसे ही पक जाएगा एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब आलू लिए हैं छोटे साइज़ के, और इसको पतला पतला स्लाइस में कट किया है इस तरीके से। और अब इसको हमने एक बार अच्छे से मिला लेना है, और मिला के ढक के इसको तेज आंच पे ही पकने के लिए रख देना है। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। और यहाँ कुकर में एक सीटी लग गई है, तो अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी मीडियम पे और इसको तीन चार सीटी आने तक पकने दूंगी। तो ये गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको दो तीन मिनट के लिए ढक के ही तेज आंच पे पकाया है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर और इसको ऐसे ही पकाएंगे, तो बीच बीच में चलाते हुए इसको पकने देंगे। और यहाँ मैंने अब एक बर्तन में डाल दिया है दो कप से दही। तो दही मेरा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर ज़्यादा खट्टा दही आपका है तो आप एक कप दही भी ले सकते हैं। और आधा कप पानी डाला है, उसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। तो ये दही भी हमारा बढ़िया से फेंट के हमने तैयार कर लिया है। और इधर हमारा जो आलू है वो भी पक चुका है। एक बार इसको हम चेक कर लेंगे, मिक्स कर देंगे, और देखिए आलू हमारे पक गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी। बाकी इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और आधा चम्मच से डाल देंगे हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिला लेंगे। और इसको फिर से हमने ढक के ही तेज आंच पे ही पकाना है, क्योंकि ये नया आलू है, बहुत जल्दी पक जाता है और टूट जाता है। इसीलिए मैं इसको तेज आँच पर ही पका रही हूँ। अगर आप पुराना आलू से बना रहे हैं तो उसको आपने मीडियम आँच पर आपको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाना होगा, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका है, और तेज आंच पे ही मैंने इसको पकाते हुए बढ़िया से भून लिया है। अब यहाँ पे इसको हमने ढकना नहीं है, बस ढक्कन खोल के ही हाई फ्लेम पे ही इसको बढ़िया से हल्का सा क्रिस्पी कर लेना है, हल्का करारा इसको कर लेना है। और यहाँ पे हमारा कुकर भी देखिए ठंडा हो गया है। इसको मैंने मीडियम आंच पे तीन चार सीटी पकने के बाद छोड़ दिया था, और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। और चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, और यहाँ पे जो हमने दही को मिक्स करके रखा हुआ था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको अच्छे से हमने मिला लेना है, बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम गैस पर फिर से चढ़ाएँगे। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, तो एक कप से पानी मैंने यहाँ पर और डाला है, और अच्छे से इसको मिला देंगे। तो कितना गाढ़ा पतला करना है वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप नमक भी इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने
दही और पानी ऊपर से डाला है और ये मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसको 4-5 मिनट के लिए हमने पकने देना है, अच्छे से इसको उबलने देना है। और यहाँ पे हमारी आलू भुजिया भी बनके बढ़िया से तैयार हो गई है। देखिए अच्छा सा ये कलर भी चेंज हो गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम कढ़ाई में ही फैला देंगे और बीच में थोड़ी सी जगह कर देंगे इस तरीके से, तो जो भी एक्स्ट्रा तेल इसमें होगा ना वो सारा नीचे में निकल जाएगा और हम साइड से सारे आलू निकाल के रख लेंगे। और यहाँ पे ये भी अच्छे से उबल चुका है, बढ़िया सा इसमें उबाल आ गया। 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको उबाल लिया है, पक गया है बढ़िया से और ये तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। वैसे तो इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं लेकिन हल्का सा तड़का लगा के खाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो गैस का फ्लेम ऑफ़ करके इसमें हल्का सा तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ एक पैन मैंने चढ़ा दिया है और इसमें हम डाल देंगे देसी घी 2 चम्मच से, चाहे तो तेल में भी आप लगा सकते हैं। 1/2 चम्मच डाला है जीरा और 1/2 ही चम्मच इसमें डाल देंगे राई। थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता और साथ ही डाल देंगे 2-3 हरी मिर्च बारीक काट के, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बस इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे और ये तड़का हमारा हो जाएगा तैयार। इसको हम डाल देंगे फटाक से अपने जौला के ऊपर। ये मैं बना रही हूँ पहाड़ी जौला। तो ये इसमें डाल दिया, इसको हम ढक देंगे बस 1 मिनट के लिए। इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अब इसको हम मिक्स कर देते हैं और ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा बनके रेडी हो गया है। आप इसको लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, कभी भी आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है और झटपट से ये बन जाता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा पहाड़ी जौला और बिहारी आलू की भुजिया बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहाड़ी और बिहारी कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।